ये देखिए गाइस, गोभी के पराठे के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। ये देखिए फूड प्रोसेसर है, इसमें सारी कोई किसी तरह का भी आटा गूंद के तैयार हो जाता है। देखिए पहले मैंने गेहूं का आटा तैयार किया इसी में, और आटा बहुत ही सॉफ्ट रहता है इसमें। अब मैं गोभी के पराठे की तैयारी करी है, तो मैंने इसमें गोभी, धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के इसको मैंने तैयार कर दिया। अब देखिए मैं इसमें आटा डालने जा रही हूँ। ये देखिए ये आटा जो है करीब 7-8 रोटी का है, तो ये पूरा ही डल जाएगा आटा। ये देखिए आटा डालने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सुबह सुबह गोभी के पराठे ही खाएंगे। इसको करना कुछ नहीं होता, बस ऐसे करके चला के, ये देखिए ये मैंने रख दिया है, और ये इसका ढक्कन है। ये देखिए ये ढक्कन मैं लगा दे रही हूँ और आपको चलाना सिखा दे रही हूँ। ये देखिए चल रही है, बस ऐसे ही आवाज आएगी और थोड़ी देर बाद आपका आटा तैयार हो जाएगा। आप इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या कर रही हूँ। इसके अंदर अंदर की मशीन चल रही है और आटा गूंद रही है। इस तरह इसका आटा तैयार हो जाएगा और जो की बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। देखिए आटा हमने कनेक्शन के लिए निकाल लिया है और ये आटा चल रहा है। ये देखिए थोड़ी देर बंद कर दीजिए और फिर इसको चला दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा पानी डालने जा रही हूँ, जिससे कि आटा जल्दी से अपने आकार में आ जाए। ये देखिए आटा बनना शुरू हो गया है और जैसे आटा चलना भी शुरू हो गया है। आटा काफ़ी अच्छा बनेगा और आपको टाइम भी मिलेगा। मैं थोड़ी वीडियो करके करके हेलो गाइस, ये देखिए गोभी के पराठे के लिए मैंने गोभी और धनिया और कसूरी मेथी, नमक सब डाल के इस चॉप में मैंने चला दिया है। ये इसका ब्लेड है, ये देखिए ये इसका ब्लेड है जिसमें चल रही है। ब्लेड से मैंने चलाया तो सारे सत्यानाश कर देते हैं, बता है। सवेरे सवेरे मैसेज आने, जो मैंने आटा गूंदा था उसके पराठे तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये पराठा पहला बन चुका है, गोभी का पराठा दूसरा है, बाकी के नतीजे में ये देखिए बन रहा है। मेरी बेटी है जो पराठे बना रही है, ठीक। और ये चाय है, ये देखिए गरम गरम चाय है जो बन रही है। ये देखिए ऑलिव ऑयल से ही पराठे बनाया गई, क्योंकि ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट होता है पराठे के। ये देखिए ऑलिव ऑयल के पराठे जो नुकसान नहीं करते हैं। ये देखिए पराठे बनने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि संडे का दिन है तो हम लोग लेट सोते होते थे काफ़ी। तो आज हमारा जो है नाश्ता भी शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए नाश्ता बन गया है बस। ये देखिए मेरी बेटी है, आपको मैं अपनी बेटी का परिचय कराती हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना मेरी बनाती है। ये देखिए मेरी लाइफ के बोलते पराठे बन के तैयार हो गए हैं और खाना शुरू हो चुका है। और ये देखिए ये पराठे हैं जिसमें मैंने मक्खन लगा के रखा हुआ है और साथ में चाय है। चाय मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग चाय गिलास में भी थे। ये मेरी गिलास में चाय है और मेरे हस्बैंड पराठे खा रहे हैं। देखिए क्योंकि ठंड काफ़ी है तो इसलिए बस ये नाश्ता कर ले, तो मैं बिस्तर बिस्तर झाड़ के इनको रजाई में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि इनको आज जुकाम वगैरह भी हो चुका है। ये देखिए गाइस, और ये नाश्ता मेरा है, मैं खाने जा रही, क्योंकि मेरे को तो बटर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं मक्खन लेके आई हूँ साथ में पराठे, गोभी के पराठे साथ में गरम गरम चाय। और बैठ के अपने हस्बैंड से वार्तालाप करूंगी, थोड़ी सी दिन भर की बातें करेंगे थोड़ी बहुत जो है अभी सुबह की, और साथ में मैं गरम गरम नाश्ता चाय साथ कर रही हूँ। देखिए गाइस आपको मेरे नाश्ता कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स।